हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी होता है सेल की स्टडी करना। तो बेसिकली हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बहुत ही छोटा होता है जो कि जिससे हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स, लाखों करोड़ों सेल होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। अब जो वर्ड सेल है, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था। सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्म जेलिसेप्टिकम। और जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का वो है न्यूरॉन। जो बिगेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एग। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो सेल थ्योरी थी वो दी थी 1838-39 में। किसने दी थी? शेल्डन एंड सकवान ने। अब सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक जर्म प्लाज्म थ्योरी आई थी। जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी अगस्त वीसमन ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के मेन फीचर्स के। सेल थ्योरी के मेन फीचर है क्या? अब सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल से ही बने हुए हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल की बनी हुई है। और हर एक जो सेल बनता है वो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। सेल भी जो बनता है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। हर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ शुरू होती है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है। उसके बाद होती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होती है? 8 से 16 बन जाते हैं, 16 से 32 सेल्स बन गए, 32 से 64 सेल्स बन गए। तो ऐसे फिर आगे सेल डिवीजन होती है। तो सेल डिवीजन के बारे में डिटेल में हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। मियोसिस का टॉपिक आएगा, माइटोसिस, फिजन, बडिंग, इन सब में हम सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होती है। अभी हम देखते हैं कि सेल कितनी तरह के होते हैं। सेल जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रिमिटिव सेल है। इनके तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इस सेल के, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। बट इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियर मटेरियल भी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बाकी की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गॉल्गी बॉडीज, ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन कौन से? वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में 0 होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्म। अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की, तो उसमें जो क्लोरोफिल होती है वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के साथ ही एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो आता है सेल वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एक कंप्लीट सेल होता है। इसमें सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज भी होती है और न्यूक्लियस भी होता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स सब में होता है यूकैरियोटिक सेल्स। जो बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो है एसिटाबुलेरिया। तो जो इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होता है, और ये वाला जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होता है इसमें ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस कहाँ होता है। ठीक है, अब इससे पहले हम पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल ही होता है। यूकैरियोट्स का साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े होते हैं, प्रोकैरियोट्स के कंपैरेटिवली इनका साइज लार्ज होता है। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स जो है इनमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो वाले जो क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं। यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं।
प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स होती है। अभी हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोट्स में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। जो सेल डिवीजन होती है प्रोकैरियोट्स में, वो फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होती है। यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होती है वो होती है माइटोसिस एंड मियोसिस में। अब ये होता क्या है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का, ठीक है। एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, इनकी जो फिगर है ये आपके सामने पड़ी है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो शेप का देखो। एनिमल सेल थोड़ा सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर तो नहीं बोलेंगे, इरेगुलर शेप आप बोल सकते हो। एनिमल सेल की जो शेप है वो थोड़ी इरेगुलर है, और जो प्लांट सेल है ये थोड़ा अपने थोड़ा सा अपना रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है। प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप का है, लिटिल बिट रेक्टेंगुलर शेप का है, और एनिमल सेल की जो शेप है वो इरेगुलर है। अब हम देखते हैं इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन सी है, ठीक है। एक और इन दोनों में डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है सेल वॉल का। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाहर वाली आपको लेयर दिख रही है ना, ये वाली लेयर, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर सारी की सारी सेल ऑर्गेनल्स आ जाती है। प्लांट सेल के बाहर सबसे ये जो मोटी सी आपको लेयर दिख रही है ये क्या है, ये सेल वॉल है, और उसके अंदर ये वाली जो पतली सी लाइन है ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये ऊपर पड़ा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा गॉल्गी बॉडीज इसमें प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये रहा बड़ा सारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा है ये आ गया न्यूक्लियोलस। सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है, और जो अंदर फ्लूइड टाइप मटीरियल इसमें पड़ा है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब चलते हैं हम प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल में भी ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं। ये गॉल्गी बॉडीज हो गई, एनिमल सेल में भी थी, प्लांट सेल में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन दोनों में है, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं वैक्यूल्स। इसके अलावा न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस दोनों में होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है ये रहा न्यूक्लियस बड़ा सारा, और इसके अंदर छोटा सा आ गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है न्यूक्लियस में, जो एनिमल सेल है एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है और सिमिलैरिटीज है, यहीं पे मैंने आपको बता दी है, राइट। तो कल हम करेंगे सेल का स्ट्रक्चर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।